भारत का फैसला देख रहे हैं। आज पूरा देश वोट कर रहा है। देश भर में 117 सीटों पर वोटिंग जारी है। 12 राज्यों में ये वोटिंग हो रही है, जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से ही इन 12 राज्यों के पोलिंग सेंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर वोटिंग की रफ्तार बेहद सुस्त रही है। सुबह से अब तक मुंबई में 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो महज 26% ही रहा है। This election is a very very important election. ये सबके लिए important election है and it's important कि सब जाके वोट करें, नहीं तो हमेशा जब भी इस देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो सब लोग जाके कभी सड़कों में जाके कैंडल्स जलाते हैं, कभी अलग अलग तरह के अपनी आवाज़ उठाते हैं। आई थिंक द ईजिएस्ट वे अपनी आवाज़ उठाने की वोट करने की है। तो ऑल दोज पीपल जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और वो जाके कोई पीस मार्च करते हैं या कैंडल जलाते हैं, आई थिंक उस कैंडल से ज्यादा इम्पोर्टेंट आज ये वोट है। सो वोटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैं हर एक हिंदुस्तानी से ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारे लोकतंत्र का। वैसे तो हमें हमारे लोकतंत्र के साथ हर दिन जुड़े रहना चाहिए, लेकिन ये दिन तो बहुत खास है हम सबके लिए और हर एक हिंदुस्तानी को इसका एक हिस्सा बनना ही चाहिए। और ये एक बार फिर मैं सबसे अपील करता हूँ, मुझे यकीन है कि सब लोग बाहर आएंगे। पिछले दफा मुझे याद है मुंबई में लोग कम निकले थे और मुझे उम्मीद है इस दफा ज्यादा लोग आएंगे। एबिलिटी भी है मेरी और उसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि देश में कुछ भी बदले तो ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर कल मुझे किसी भी चीज़ से दिक्कत है, अगर मैं किसी पे उंगली उठाना चाहती हूँ तो पहले उंगली पर ये होना बहुत जरूरी है। कम नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा नजर आए हैं पहले से और खासतौर पे कि यंगस्टर्स और नौजवान बहुत ज्यादा आए हैं, जो बड़ी खुशी की बात है। और ये लगता है कि हाँ, इस स्टेज पे आके वो चाचे तायों से छुट्टी मिली, कम से कम इन नौजवानों ने अपने हाथ में लिया है हिंदुस्तान को और यहाँ की। अब जिम्मेवारी उनके ऊपर है कि हमें किस तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि अब तक तो ठीक है, जवाबदेही देने वाले, इसका जवाब देने वाले बुजुर्ग थे सारे, जो लगे चले आ रहे थे हमेशा से। यहाँ से अब आपको शिकायत करनी नहीं चाहिए और या कोई करे तो इन नौजवानों से करे कि आप हिंदुस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और खुशी की बात है कि उन्होंने हिंदुस्तान का हाथ पकड़ लिया। एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड अ स्टेबल गवर्नमेंट एंड वी शुड ऑल एम फॉर इट एंड आई हैव डन माय ड्यूटी, आई एम श्योर शी हैज डन हर। सोनम जी, इस समय वोट डाले हैं, सोनम आपके जो मतदान के हक है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं ये सब कर रही हूँ। अभी पुलिस आ रही है, थोड़ी बहुत आने की, अभी मैं दूसरों लोगों का हक मुझे छीनना नहीं है। अच्छा सोनम किस मुद्दों पे आप रख के वोट डालते हैं, क्योंकि इस बार बॉलीवुड सेक्युलरिज्म को ध्यान में रख रहा है? नहीं, मैं अपनी आइडियोलॉजी शेयर नहीं करने वाली। थैंक यू। सोनम जी प्लीज प्लीज प्लीज। इस वक्त हमारे साथ है तनिषा, उनसे सीधी बात करते हैं। तनिषा, साउथ मुंबई में आपने मतदान किया, साउथ मुंबई की ये खासियत है कि बहुत कम वोट होता है, क्या कहेंगे? अभी सब सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिंदी मराठी इंग्लिश में। मैं ये कहूंगी कि आई थिंक कि सिर्फ साउथ मुंबई नहीं, सब लोगों को बाहर निकल के वोट करना चाहिए। और मैं ये होप करती हूँ कि इस बार एक बदलाव आया है साउथ मुंबई में, गवर्नमेंट में, सब चीज़ों में। वी नीड चेंज। सरकार में या फिर सांसद पद में बदलाव की उम्मीद देखती है? सब चीज़ों में। थैंक यू। फिलहाल आखिरी सवाल, आपको ये सवाल सुनना शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आइफा को लेकर काफी आलोचना हो रही है। मतदान को छोड़ के काफी सारे कलाकार जो अदाकार जो है वो आइफा के लिए चले गए, क्या इतना इम्पोर्टेंट है अपने बेसिक हक का निर्वहन करना? देखिए, हम एक्टर्स हैं, हमारा काम है शोज में जाना, जैसे बिजनेसमैन का काम है कॉन्फ्रेंसेज में जाना। आपको उनका नहीं मालूम कि कितने लोग कॉन्फ्रेंसेज में गए हैं, आपको पता है? नहीं। ये सिर्फ ये बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में सारी मीडिया फिल्म इंडस्ट्री को देखती हैं। ट्रू, वी शुड सेट अ गुड एग्जांपल, बट वी ऑल हैव टू वर्क एंड वी ऑल हैव टू अर्न आवर लिविंग। धन्यवाद। ये थी तनिषा जी का कहना है कि अगर आइफा के लिए एक फिल्म कलाकार दिया गए भी है तो उनके कारोबार का, उनके काम का एक हिस्सा है। अगर वो मतदान का फर्ज अदा नहीं करते तो भी इस बात के लिए उन्हें सहूलियत दे दी जाइए। कैमरामैन नैन के साथ सचिन परब, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई।